केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर हैं। इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरी व्यवस्था केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही संभाल रहे हैं। खबर है कि अपने दौरे के दौरान अमित शाह सिंधिया के महल जय विलास पैलेस में कुछ घंटे रुकेंगे। बताया जा रहा है कि शाह के सिंधिया के महल में जाने से बीजेपी के बड़े नेताओं में बेचैनी हो गई है। आखिर ये बेचैनी किस वजह से है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि सिंधिया का यह महल है कैसा। कभी सिंधिया वंश ग्वालियर के शासक हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल जय विलास पैलेस हिंदू मराठा वंश महाराजा जयाजी राव सिंधिया का घर है, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। महल की नींव 1874 में रखी गई थी। बताया जाता है कि तब उस समय महल की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जो आज करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आधुनिक सोच से बने इस महल की वास्तुकला यूरोपीय शैली की है। इसके वास्तुकार माइकल फिलोस थे, जिन्होंने दरबार हॉल को बड़े ही नायाब तरीके से बनाया है। 12 लाख से ज्यादा वर्ग फुट में फैले इस महल में 3 मंजिलें हैं और सिंधिया परिवार इसी में रहता है। सिंधिया को यह महल जीवाजी राव सिंधिया से विरासत में मिला था। यह महल इतना भव्य दिखता है कि इसे देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। बताया जाता है कि जिस हॉल में राजा सभाएं किया करते थे, उस हॉल को 560 किलोग्राम सोने से सजाया गया है। अब आपको उस पॉइंट पर लेकर आते हैं जो बीजेपी नेताओं की बेचैनी की एक वजह बताई जा रही है। शाह के सिंधिया के महल में रुकने पर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी नेतृत्व सिंधिया के ज्यादा करीब जा रहा है। क्या ये किसी तरह का संकेत है कि मध्य प्रदेश की कमान सिंधिया के हाथ में देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसी सप्ताह उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में भी सिंधिया को पीएम मोदी के साथ लगातार देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सीएम के लिए पार्टी नया चेहरा तलाश करने में जुटा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाकर एक संदेश पहले ही दिया जा चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम का चेहरा बदल सकती है। इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर हो रही है। सिंधिया न केवल मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं, बल्कि वे अपने विरोधियों को भी साधने में लगे हैं। जानकार मानते हैं कि एक खास रणनीति के तहत ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिंधिया के करीब जाने लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।